हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अफर्मेटिव एक्शन, या इसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, या यूँ कहें हिंदी में सकारात्मक भेदभाव। ठीक, तो ये जो सरकार की नीतियाँ होती हैं उसके संबंध में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको समझेंगे कि ये क्या है अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, तो सरकार किस तरह से नीतियाँ बनाती हैं, और हम कह सकते हैं कि सरकार की नीतियाँ जो हैं अफर्मेटिव है, या उस सरकार का एक्शन जो है अफर्मेटिव है, या सरकार का जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक, तो इसको समझने से पहले, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को समझने से पहले हमें निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को समझना होगा। ठीक, तो निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसे समाज में हम देखते हैं कि ये एक निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी नकारात्मक भेदभाव होता है, जो आप घर में भी और बाहर समाज में भी देखते हैं। ठीक, जैसे हम घर में कहें, मान लिया जाए घर में ही है, जैसे मान लिया जेंडर का है, ठीक है, यानी लिंग, लिंग के मामले में भेदभाव जैसे हम घर से ही ले लेते हैं, तो घर में भी होता है। जैसे स्त्री पुरुष है या लड़का लड़की है, तो इसमें क्या है, भेदभाव एक जनरली जो है कि बहुत ज़्यादा घरों में जो है, अधिकतर घरों में ये देखा जाता है। ठीक, जैसे लड़की की परवरिश में थोड़ी सी कमी कर दी जाती है, या उसकी पढ़ाई लिखाई या स्कूली मामले में भी उसको उतनी तरजीह नहीं दी जाती है। ठीक है, लड़कियों को, लेकिन मैं सब घरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ अधिकतर घरों में। ठीक है, उसके बाद अब आप समाज में देखेंगे, ये देखिए, ये जेंडर का जो है घर में भी है और समाज में भी है। देखिए, आप समाज में जाएंगे वहाँ भी ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे पास है रेस है, रेस यानी नस्ल है, तो नस्ल में क्या है कि जैसे आप देखें कि अमेरिका है, तो यहाँ पर जो है रंग भेद नीति काफ़ी प्रचलित है। यहाँ तक कि जो आपके जो काले लोग हैं उनको जो है कई सालों तक जो है कि स्लेवरी करनी पड़ी। ठीक है, यानी दास प्रथा रही वहाँ पर, ये कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है कि ये निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। जैसे आपका इकोनॉमिक किप में देख लेते हैं, यानी आर्थिक रूप से देख लेते हैं, तो आर्थिक रूप से अमीरी गरीबी इस तरह से लगी हुई है, यानी डिस्क्रिमिनेशन है किस तरह का, नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे हम कास्ट के बेस पर कह लें, जनरली आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो है कि कास्टिज्म तो काफ़ी चलता है। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह का ऊंच नीच है, यानी छूत अछूत वाली बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कि जैसे कास्ट में क्या है कि कुछ, मतलब ये कहा जाए कि आपका कई पीढ़ियों से या शताब्दियों से जो है कि यहाँ पर जो है कि वंचित और शोषित समाज है। ठीक है, तो इस तरह का जो है कि आपकी ये निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएंगी। ठीक, ऊंच नीच, काला गोरा, जो भी है, अमीर गरीब, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन समाज में, हमारे केवल इंडिया में ही नहीं बाहर भी देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो अब आता है अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है। ठीक, तो सरकार क्या करती है, जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, जो ऊंच नीच है, तो जो असमानता है, उसको दूर करने के लिए कुछ कदम जो है सरकार की ओर से उठाए जाते हैं, यानी समाज में समानता लाने के लिए सरकार की ओर से जो कदम उठाए जाते हैं वही जो है कि अफर्मेटिव एक्शन है, या उसी को आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, यानी सकारात्मक भेदभाव कहेंगे। ठीक है, यानी जैसे हम ये कहें कि सरकार रिजर्वेशन देती है। ठीक है, तो जैसे आप घर में भी कह लें कि आपके दो, हमारे पास दो बच्चे हैं। ठीक है, हमारे दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है कि शारीरिक रूप से जो है कि कमज़ोर है, एक बच्चा एकदम फिट है। ठीक है, तो हमें इसका, अब हमारी एक अर्निंग जो है, एक फिक्स हमारे पास अर्निंग है, तो उस समय क्या करेंगे, तो हमारा अफर्मेटिव एक्शन क्या होगा कि हम जो है कि अपनी अर्निंग का अधिकतर ज़्यादा हिस्सा जो है क्यों ए पर लग व्यय करें, इसके मेडिकल पर, इसकी जो है कि आपकी इसके खान पान पर। ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन मिले, तो ए को जो है डेवलप करने में हम कोशिश करेंगे, ए को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि ए और बी का जो है लेवल एक आ जाए। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, हमारी अर्निंग तो निश्चित है, फिक्स है, तो हमें बी पर जो हम खर्च कर रहे थे उसी में हमें कटौती करके ए पर हमें खर्च करना पड़ेगा, ताकि इसका स्तर, ए का स्तर भी हम बी के बराबर ले आए, यानी ये जो हमारा बच्चा है उसको भी हम बी बच्चा जो कि एकदम फिट है उसके स्तर पर ले आए। ठीक है, तो कटौती जो होगी बी से ही होगी। ठीक
ठीक है, जो हम बी पर खर्च कर रहे थे उसी की कटौती होगी। तो कुछ समय बाद जब ए बच्चा जो है कि बी के बराबर आ जाएगा लेवल में, तो उस समय हम जो है कि बी को जो है उसका हक जो हमने मारा था कहा जाएगा, तो उसको भी हम देने लगेंगे, यानी बराबर बराबर जो है दोनों में खर्च करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह से सरकार भी क्या करती है, जो हमारे पास दबे कुचले वंचित यानी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, एक्सप्लॉयटेड सेक्शन है, उसको किसी न किसी रूप में ऊपर उठाने की कोशिश करती है। ठीक, तो उसमें जो है कि जैसे वो रिजर्वेशन देती है, ठीक है, जैसे आपके पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देगी है, उसके बाद जैसे आपके जॉब में रिजर्वेशन देगी, ठीक है, उसके बाद जैसे मान जाए महिलाएं हैं उनको ट्रेन में जो है कि उनके लिए एक अलग कोच दिया जाएगा है, जैसे ओल्ड एज पर्सन है तो उनके लिए भी जो है कि आपकी एक विशेष सुविधा दे दी जाएगी ट्रेन में। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि जैसे हमारे पास हमारे माँ बाप यानी बुजुर्ग हैं उनको लेके हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको जो है कि बैठने की सीट मिले। ठीक है, तो उसी तरह से जो है कि समाज के जो वंचित और जो आपके शोषित वर्ग है उसको भी ऊपर उठाने के लिए सरकार जो है कुछ प्रयास करती है, तो वही अफर्मेटिव एक्शन है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एससी है, एसटी है, ठीक है, एसटी है, ओबीसी है, तो ये समाज के दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, यानी पीढ़ियों से शोषित वर्ग है। ठीक है, या आप इसमें महिला भी डाल दीजिए, वोमेन भी डाल दीजिए, ठीक है, तो इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया है कि अभी जैसे EWS लागू कर दिया है कि समाज में केवल यही लोग जो है कि गरीब नहीं है, कि जो सवर्ण जाति के या अन्य लोग हैं वो भी गरीब हैं, तो उनको भी जो है कि आरक्षण का लाभ मिले, उनका स्तर भी ऊपर उठे, आर्थिक स्थिति उनकी भी मजबूत हो, तो इसलिए एक नया आरक्षण शुरू कर दिया है कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो सरकार की जो ये नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ ही जो है अफर्मेटिव एक्शन यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। सरकार भी भेदभाव तो कर रही है, तो लेकिन क्या किस लिए कर रही है, जो निचले तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कर रही है। ठीक है, तो किसी का हक तो इसमें भी मारा जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने इसी में दिया कि घर में एक बच्चा ए है और एक बी है, लेकिन बी की स्थिति सही है, फिट है वो, तो ए की स्थिति कमजोर है, तो ए को हमने अपलिफ्टमेंट करना है। उसी तरह से इन लोगों की एससी एसटी ओबीसी या महिला है या EWS है, ठीक है, तो इनको जॉब में आरक्षण देके हम क्या कर रहे हैं, यानी सरकार क्या कर रही है, एक अफर्मेटिव एक्शन ले रही है ताकि इन लोगों का स्तर भी ऊपर उठे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।